हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के सामने बढ़े हुए पेट का योगा लेकर आई हूँ। बस 6 योगा आपको करना है और इसे करने से आपके पेट का जितना भी मोटापा हो बहुत जल्दी खत्म होगा और आपका जो डाइजेशन है वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका पेट भी इससे साफ होगा, हल्का रहेगा। तो चलिए हम लोग इस योगा को स्टार्ट करते हैं और अपने पेट के मोटापे को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। फर्स्ट आसन है, उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधा खड़ा हो जाना है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधा ऊपर की ओर लेके जाना है, बिल्कुल सीधा सांसें भरते हुए। और आपको ध्यान रखना कि हाथ पूरा सीधा, हथेलियां बिल्कुल खुली हुई इस तरीके से रहेंगे, जैसे इस तरीके से साइड से दिखाती हूँ। इस तरह से सीधा खड़ा होना है, सांसें भरना है, हाथों को बिल्कुल इस तरह से सीधा एकदम ऊपर, हथेलियां ऊपर की ओर, और इसी तरह से अपने चेस्ट को थोड़ा पीछे की ओर इस तरह से करना है, थोड़ा सा पीछे की ओर इस तरह अपने चेस्ट को करना है, हाथों को थोड़ा पीछे, फिर सांसें छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे अपने पैर के उंगलियों के पास। अगर आप इतना आ सकते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप इतना जमीन को, फर्श को सिर्फ टच कर सकते हैं तो आपको आके यहाँ पे जमीन को बस टच करना है इस तरीके से, फर्श को यहाँ पे आना है। या फिर अगर पैर ते तो कोशिश करें कि जितना आप अपने पैरों के पास ला सकते हैं हाथों को उतना लेके आना है। तो इस तरीके से आना है, फिर ऊपर सांसें भरते हुए पीछे की ओर, फिर सांसें छोड़ते हुए नीचे, जैसे 1, सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको 10th बार करना है। और आपके जो पैर रहेंगे बिल्कुल सीधा रहेगा, पैर का घुटना यहाँ से मुड़ेगा नहीं। और हाथों को लाके इस तरीके से पैरों के तलवों के पास रख के आप 5-10 सेकंड के लिए यहाँ रुक सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आसन है उसमें आपको क्या करना है, एक पैर को इस तरीके से आगे और एक पैर पीछे की ओर रहेगा, घुटना बिल्कुल सीधा, और इस तरीके से आना है आपको और बिल्कुल आराम आराम से अपने एक पैर को आगे की ओर लेके आना, पीछे पैर इस तरीके से आएगा साइड से नीचे, और एक पैर इस तरह से आगे की ओर रख लेना है और पैर के तलों को नीचे इस तरीके से बिल्कुल आराम से। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके हाथों को इस तरीके से आपस में जोड़ना है और हाथ इस तरह से जोड़े रहेंगे। और ध्यान रखना है कि हाथों को अलग नहीं करना है, इस तरह से जोड़ना है और हाथों को बिल्कुल ऊपर और थोड़ा आगे की ओर इस तरीके से आपको होना है। और यहाँ पे आके आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए आप रुक सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड रुकना है, फिर आराम से हाथों को नीचे, पैरों को पीछे से उठकर इस तरीके से पीछे आ जाना है। अब इसी तरीके से हम अपने दूसरे साइड के पैर से करेंगे। तो फिर हमारा बायां साइड जो लेफ्ट पैर है वो इस तरीके से आएगा, फिर इसको आराम से इस तरह से नीचे आना है, एक पैर साइड में बिल्कुल पैर के तलों को नीचे इस तरह फैला देना है, हाथों को इस तरह से जोड़ना है ऊपर और थोड़ा आगे की ओर होके इस तरीके से, जैसे पैरों को आगे करेंगे इस तरह से 10-20 सेकंड आपको रुकना है जैसे, और थोड़ा सा अपने हाथ को पीछे की ओर करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और दोनों हाथ आपस में जॉइंट रहेगा, फिर आपको आराम से आ जाना है। आसन है उसमें आपको क्या करना है, पैरों को इस तरीके से एक ही जगह रखना है और पैरों को बिल्कुल हिलाना नहीं है, घुमाना नहीं है, दोनों हाथों को आपस में इस तरह से जोड़ना है, हाथों को बिल्कुल ऊपर, और इस तरह से आपको बस साइड में घूमकर थोड़ा सा ऊपर अपने हाथों को इस तरह करके चेस्ट को आगे की ओर करके इस तरह से आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड के लिए आपको रुकना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद रिलैक्स। और जब आप ऐसा करोगे तो आप खुद देखोगे कि यहाँ से पूरा कमर से पेट से आपका कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है, सिर्फ स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इसी तरह से दोनों हाथों को जोड़ना है, हाथों को ऊपर, और हमारा पैर नहीं घूमेगा, पैर यहीं पर रहेगा, बस साइड में अपने शरीर को इस तरह से थोड़ा घुमा के हाथों को ऊपर की ओर, चेस्ट आगे की ओर इस तरह से आपको रुकना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आराम से रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, इसी आसन में दोनों हाथों को आपस में जोड़ना है, हाथों को बिल्कुल ऊपर इस तरह से सीधा और साइड में जितना आप घूम सकते, जैसे सांसें भरें सांसें छोड़ते हुए साइड में,
और बिल्कुल ऐसे झुक के नहीं आना, कान के आगे से आपके हाथों को नहीं लेके आना, इस तरह से पीछे की ओर, और ऊपर अगर आप देख सकते हैं साइड में तो ठीक है। तो इस तरह आपको 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए आप रुक सकते हैं साइड चेयर में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपको इसी तरह 10th बार 20 बार आप कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसा आप 10 10 का 3 सेट और 30 बार तक कर सकते हैं। इससे आपका बॉडी स्ट्रेच भी होगा, आपका साइड का जितना फैट है वो बहुत जल्दी कम होगा, आपके पेट पे इसका जोर पड़ रहा है, तो इस तरह से जब आप करोगे तो आप खुद साइड में अपने पेट पे, अपने कमर पे, अपने बाजू पे, हर जगह इसका असर देखोगे। और ये बहुत ही अच्छा आसन है आपके पेट के मोटापे को कम करने। आपको क्या करना है, हाथों को इस तरीके से बिल्कुल ऊपर सीधा और पैरों को इस तरीके से उठाना और हाथों को लाके पैरों के तलों को टच करना है, जैसे इस तरीके से 1 सांसें भरे सांसें छोड़ते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप 10 10 का 3 सेट और 30 बार तक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको क्या करना है, इस तरीके से आ जाना है, दोनों हाथों को जैसे इस तरीके से रखे, पहले आपको इस तरीके से हो जाना है, फिर इस तरह से पैर के तलों पर आना है, इस तरह बिल्कुल सीधा, कमर ना ऐसे नीचे रहेगा ज़्यादा ना ऊपर, बिल्कुल सीधा। और यहाँ पे आके आपको जितना सेकंड आप रुक सकते हैं 10 20 सेकंड आपको रुकना है, जैसे इस तरीके से नॉर्मल सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस आपको यहाँ पे रुकना है, फिर आराम से रिलैक्स। आप 10 सेकंड रुक सकते हैं, 20 सेकंड रुक सकते हैं, और ये आप इसको करने से आपके पेट पे इसका बहुत ही अच्छा असर होता है और पूरा शरीर का वजन भी आसान है। उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा बैठ जाना है, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरह से पैरों को फैला के बैठ जाएं, अपने हाथ की हथेलियों को इस तरह से साइड में कमर के पास लगा लें इस तरीके से, और बिल्कुल आराम से आपको इस तरीके से धीरे धीरे नीचे की ओर लेटना है, और इस तरह से आकर जो आपकी कोहनियाँ हैं इसको यहाँ पर टिकाएं, और ये आपके गले को इस तरीके से ऊपर के उठाकर आपको कुछ देर यहाँ पे लेटना है, कुछ सेकंड के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आप 10 सेकंड 20 सेकंड रह सकते हैं, फिर आराम से रिलैक्स। तो आप सीधा अपने सिर को करके, हाथों को साइड करके एकदम आराम से सीधा सो के रिलैक्स। तो अगर आप इतना सा योगा रोज करते हो ना, तो इससे आपका जो पेट का मोटापा बहुत जल्दी कम होगा और आपका शरीर का वजन भी कम होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।